झांसी के कटेरा थाना क्षेत्र में हुई हत्या की वारदात का जब पुलिस ने खुलासा किया तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल यह कारगुजारी दो भाइयों की थी, जिसको शक हो गया था कि पूर्व पार्षद तंत्र विद्या से उनकी पत्नियों पर जादू टोना कर रहा है और उसी के बल पर वह उनके साथ संबंध स्थापित करना चाह रहा था। बीते रोज कटेरा इलाके में पूर्व पार्षद का शव एक खेत पर पड़ा पाया गया। पुलिस ने मामले के सुराग खंगाले तो आरोपियों को 24 घंटे के भीतर ही दबोच लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पूर्व पार्षद उनकी बीवियों पर जादू टोना करता था, इसीलिए वह और उनकी पत्नियां परेशान थीं। इसी से तंग आकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। SP ग्रामीण गोपीनाथ सोनी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि कटेरा थाना क्षेत्र के पुखरिया खिरक गांव के रहने वाले 32 वर्षीय महेश का शव सोमवार को खेत में मिला था। युवक 10 साल पहले नगर पंचायत में पार्षद भी रह चुका था। मृतक महेश के छोटे भाई ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने 302 का मुकदमा दर्ज किया था। पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपी खेमचंद और हरी सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों सगे भाइयों ने पुलिस से अपना इकबाली जुर्म भी कबूल किया। आरोपियों ने बताया कि महेश ने तंत्र विद्या से उनकी बीवियों को अपने वश में कर लिया था। कई बार उन्होंने महेश को समझाया लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। यहां तक कि बीवियों के मायके भी महेश की दखल बढ़ चुकी थी। इसी बात से आहत होकर दोनों भाइयों ने महेश के खात्मे का प्लान बनाया। एक दिन जब महेश रात में खेत पर फसल की रखवाली करने गया था, इसी दौरान दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। महेश के भाई धर्मेंद्र ने बताया कि 2 साल पहले महेश की पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली थी। फिलहाल पुलिस ने खुलासे करने के बाद आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। कल कटेरा में महेश नामक एक व्यक्ति जो पुखराया खिरक कर रहने वाला था, उसकी पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके भाई ने अपने ही पड़ोसी 4 लोगों का नामजद FIR लिखाई थी। पुलिस ने पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया और इस बीच जांच की जा रही थी तो जांच के क्रम में ये पता चला कि नामजद अभियुक्त जो कमलेश है, उसी के 2 भाई हैं, हरी सिंह और खेम सिंह। इन दोनों की पत्नियों का महेश से संपर्क होने के कारण उनका शक था कि इसने तांत्रिक विद्या कर दी है, जिससे उनकी पत्नियों की तबीयत, हरी सिंह और खेम सिंह की पत्नियों की तबीयत खराब चल रही है और ठीक नहीं हो रही है। 1-2 बार इन लोगों ने आपस में वार्ता भी किया था लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। तो इन लोगों ने, हरी सिंह और खेमचंद ने प्लान किया और रात में वहाँ पर ये सो रहा था महेश, वहाँ पर उससे बहस किए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद गुस्से में इन दोनों लोगों ने पत्थर से मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और इसमें हमारी क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर SO कटेरा, उनकी टीम व SWAT और सर्विलांस टीम सभी ने मिलकर इस घटना को 24 घंटे के अंदर वर्क आउट किया और साथ ही साथ मुलजिमों को गिरफ्तार किया। लगभग कितने लोग गिरफ्तार हुए? इसमें 2 लोग ही हैं, क्योंकि नामजद 4 थे लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। और ये दोनों लोगों ने वार्ता की गई, तीन दोनों लोगों ने बताया कि ये कारण था, इस कारण से हम लोगों ने मारा है और एक्सेप्ट भी कर लिया है खेमचंद हरी सिंह ने कि हाँ, मेरे द्वारा महेश की हत्या की। पहले से कोई प्रेम प्रसंग चला रहा था? प्रेम प्रसंग नहीं, इसमें तांत्रिक और कुछ जादू टोने की बात थी कि इनके कारण इनकी पत्नियों की तबीयत खराब रहती थी, इसी कारण उसने दोनों भाइयों ने मिलकर मारा था। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।